उदयपुर के सवीना हाईवे जहां मौत का हाईवे कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहां रोजाना हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व ही गीतांजलि रोड पर भी हादसे हुए जिसमें मौत हो गई। बीती रात भी इस हाईवे पर एक दुर्घटना हो गई जिसमें वाहन चालक और खलासी के चोटें आई। देर रात हुई इस घटना के बाद सुबह तक ट्रक की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर ट्रक को साइड पर करवाया गया और मार्ग खुलवाया गया। हालांकि यहां गिरजया व्यास पेट्रोल पंप के यहां भी अंडरब्रिज का कार्य चल रहा है जिसके तहत भी सड़क छोटी हो जाने से यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहां न पुलिस का जवाब रहता है न ही कोई अन्य व्यवस्था जिसके चलते यहां रोज हादसे हो रहे हैं। ये आर्यपुरम में जो अंडरब्रिज का काम चल रहा है वो एक दिन चलता है, करीब 10 दिन बंद रहता है, फिर एक दिन चलता है, 10 दिन बंद रहता है। यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। कल रात को भी दो जगह ट्रकें का भिड़ंत हुई जिसमें कुछ लोगों के लगी है, हाथ पार टूट गए। और आज से 10 दिन पहले जो खड्डा खोद रखा पास में, उस खड्डे में मोटरसाइकिलें भी उतर गई है। ठेकेदार को बार बार कहते हैं, ठेकेदार सुनता नहीं है और वो PAG और ISACP का बहाना बना के कहता है हमारा काम नहीं हो पा रहा, ये पोल और पाइपलाइन नहीं हटा रहे। यहाँ पे पुलिस लगाकर ये जो आए दिन जाम भी लगा रहता है, इस जाम को पुलिस क्लियर करावे और सवीना से गीतांजलि तक या बेगमपुरा तक पुलिस लगा के यहाँ पे पूरा निगरानी रखी जाए और आए दिन हादसे होते हैं।